सुबह में बिस्तर से उठते ही वो तकिए के नीचे हाथ घुसा करके मोबाइल निकालेगा, उसमें देखेगा किसने आज मुझे चाटा है, चैटिंग मैसेज किस किस का आया हुआ है, पहले उसको देखेगा। अब पता नहीं रात हाथ कहाँ कहाँ इसने चक्कर लगाया है। हदीस पाक में आता है, सुबह ही सुबह जो आदमी नींद से बेदार हो तो सबसे पहला काम उसके करने का क्या है, अपने हाथों को धो लिया जाए। फइन्नहु ला यदरी अयना बातत यदुहु, इसलिए कि कोई आदमी नहीं जानता कि उसके हाथ ने रात में कहां कहां चक्कर लगाए हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज आपको सुना रहा हूं। रात में हमारा हाथ कहां कहां चक्कर लगाता है हमें नहीं मालूम होता, हम तो नींद में रहते हैं। सुबह उठते ही दोनों हाथों को धोने का हुक्म दिया है और हमारा नौजवान मोबाइल से खेलता रहता है, किस किस ने मैसेज भेजा है, फलाने सलाम भेजा, फलाने गाना भेजा, फलाने फिल्म भेजा है। सुबह ही सुबह सुबह उठकर दुआ पढ़ना चाहिए, वजू करना चाहिए, तहजुद की नमाज पढ़नी चाहिए, फजर की नमाज की तैयारी करनी चाहिए, कुरान करीम की तिलावत खासकर सूरह यासीन की तरह तिलावत करनी चाहिए, अपने बच्चों के ऊपर दम करना चाहिए। ये कोई नहीं करता, ना औरत करती है, ना मर्द करता है, ना बच्चे करते हैं, सिर्फ बयान सुन लेते हैं, मर्द भी औरत सब सुन लेते हैं, हाँ हाँ बोल देते हैं, लेकिन अमल कोई नहीं करता। इसी तरह रात में पढ़ने को कहा गया, रात में भी कोई नहीं पढ़ता, रात में वो फिल्म देखते देखते इसी तरह सो जाते हैं, इसी हालत में फिल्म देखते देखते सो जाते हैं। गुजरात में एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातहुमुल आलिया, उनको आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप किसी फरिश्ते को देख रहे हैं। उनकी शक्ल, उनकी सूरत आप देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी फरिश्ते को देख रहे हैं। इतने गोरे हजरत और लंबे, बिल्कुल पतले, ज्यादा मोटे नहीं। उन्होंने एक मर्तबा बयान किया कि किसी मुल्क में कोई नौजवान था मुसलमान, उसको क्रिकेट की बहुत ज़्यादा आदत थी, देखने की आदत, क्रिकेट का बहुत ज़्यादा पागल था, दीवाना, पिच्ची हमारी जबान में, बिल्कुल दीवाना। एक मर्तबा क्रिकेट मैच चल रहा था, वो जिस टीम को सपोर्ट करता था उस टीम का कोई बैट्समैन क्लीन बॉल्ड हो गया, तो उसने उसको देखा, मैच देखते देखते जब देखा कि उसका एक प्लेयर क्लीन बॉल्ड हो गया तो उसने जबान से कहा, अरे मेरा बैट्समैन क्लीन बॉल्ड हो गया है, इस तरह कहा, और उसी वक्त उसकी रूह कब्ज हो गई, उसी हालत में उसकी रूह कब्ज हो गई। अब फरिश्ते बैटिंग करेंगे कब्र के अंदर, जरा अंदाजा लगाइए मुसलमान किन हालतों में मर रहा है। हमारी औरतें, हमारे बच्चे, कोई गेम खेलते खेलते रात सो रहा है, कोई फिल्म देखते देखते सो रही है, कोई टिकटॉक पर वो सब चीज़ें देख करके सो रही है, कोई कोई कुछ और कर करके हमारे नौजवान सो रहे हैं। उसी हालत में अगर मौत आ जाए, पूरी दुनिया के मौलवी मिलकर के भी नमाज़े जनाजा पढ़ेंगे तब भी उसकी मगफिरत हो या ना हो अल्लाह को मालूम। इसलिए जरा संजीदगी के साथ वादा करें, आप जो इंशाअल्लाह बोलते हैं कि हम अमल करेंगे, दिल की गहराइयों से बोलें, यकीनन हम इस पर अमल करेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान झूठा नहीं हो सकता। हम सब अल्लाह के मोहताज हैं, अमल करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।